इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कान सिंह पन्नू, जो के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और उनको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अवार्डों से भी नवाजा गया है। उनकी देखरेख में ही कह सकते हैं कि सारे का सारा प्रोसेस चल रहा है। उनका स्वागत करेंगे सर। स्वागत है। थैंक यू जी। सर, एक बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे ऐसे सेंटर खोले जा रहे हैं, आप मार्गदर्शन दर्शक बनकर आए हो ना, तो कैसे देखते हो उन बच्चों के लिए भविष्य, कैसे देखते हो जो बाहर भी जा रहे हैं और यहाँ पर भी रहकर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं? देखो जी, इशू ये है कि पंजाब में और पंजाब के बाहर भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो गाँव के स्कूलों में पढ़ते हैं, सिक्खी स्वरूप में रहते हैं और उनके बीच एक प्रतिभा है, एक इंटेलेक्ट है कुछ ना कुछ बनने का, पर उनको मौका नहीं मिलता। वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ से होकर वो अगली उनकी लाइफ जो है वो गुजरती है। तो इसलिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक बहुत बढ़िया उपराला ये किया है कि आप निश्चय अकेडमी खोली जाए, जहाँ बच्चों को, जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उनको लेके आ जाए और उसके बाद उनकी सारी ट्रेनिंग करवाई जाए, उनको वैल्यू सिस्टम, जो सिख वैल्यू सिस्टम है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में मैंशनड है, वो सारा वैल्यू सिस्टम दिया जाए ताकि वो बच्चे सिविल सर्विसेज में आ सकें किसी भी लेवल पे, टॉप लेवल से नीचे लेवल तक भी, चाहे पुलिस की सर्विस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, चाहे जुडिशल सर्विस हो, उसमें आ सकें। और अकेला सिर्फ आने की बात नहीं है, उसके बाद उनकी जो वैल्यू सिस्टम है, उसके बाद आके जो काम करना है, उस वैल्यू सिस्टम को जो गुरु ग्रंथ साहब में मैंशनड है, उसको साथ लेके जा सकें और डिसीजन मेकिंग टेबल पे उसके हिसाब से फैसले कर सकें, ताकि जो फैसले हों वो लोगों के भलाई के लिए हों। तो इसके लिए ये अकेडमी बनाई है, एक साल हो गया इसको बनी को, पर लेकिन SGPC ने ये बहुत बढ़िया उपराला किया, क्योंकि जब भी कोई ऐसी अकेडमी बनती है या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनती है तो उसके लिए एक खास माहौल तैयार होता है, क्लासरूम्स बनते हैं, हॉस्टल बनता है, मेस बनती है, लाइब्रेरी बनती है, कंप्यूटर सेंटर बनते हैं, तो उसके ताकि वो माहौल में वो बच्चे पढ़ सकें, तो वो माहौल एक बनाने के लिए यहाँ पे सेक्टर 44 में ये निश्चय अकेडमी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है ये बनाया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए कि पंजाब में, चंडीगढ़ में ही बहुत अकेडमीज़ काम कर रही हैं, बहुत टीचर जो हैं ट्रेंड इस काम में वो यहाँ पर हैं, तो इन बच्चों को जब ये चंडीगढ़ आके रहेंगे और यहाँ पे फ्री उनका रहना है, फ्री इनकी ट्रेनिंग है, तो डेफिनेटली उनकी जो इंटेलेक्ट है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो निखरेगी, और निखरने के बाद वो कहीं ना कहीं जाके लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बनेंगे और इस एकेडमी में पढ़ने के बाद वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्विस में जरूर चल जाएंगे। तो सर, अगर माना जाए तो कम से कम या मैक्सिमम कितना समय अगर एक बच्चे को देना पड़ेगा कि वो इस टेस्ट को, इन टेस्टों को क्लियर कर ले, आपको क्या लगता है? देखो, ये बात जो सभी अकेडमीज़ हैं, हमने ये अकेडमी शुरू करने से पहले सभी अकेडमीज जितनी चल रही हैं उन सभी से बातचीत की है। हमारे पास कमेटी में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंटेलेक्चुअल हैं और इन अकेडमीज में पढ़ाते रहे हैं पहले, तो उनका नॉर्मल ये है कि 3 साल लग जाते हैं किसी बच्चे को पूरी तैयारी के साथ आगे पहुंचने के लिए। तो उसमें सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट है, तो दूसरे साल या पहले साल बच्चा को प्रिलिमिनरी टेस्ट के नज़दीक पहुंच जाता है, कोई क्लियर कर लेता है, कोई नंबर थोड़े कम होते हैं, उसके बाद मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू है, सो उसके सारे के लिए तैयारी में लगभग 3 साल लग जाते हैं। तो वो हमने वो सिस्टम ऐसा बनाया है कि पहले साल के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, दूसरे साल में कैसे पढ़ेंगे, तीसरे साल में कैसे पढ़ेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर एक बच्चा ही वो सिविल सर्विस में चला जाए, पर लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि हर एक बच्चा जो है यहाँ पर पढ़ेगा 2 या 3 साल या 1 साल जितना भी समय है, वो बहुत बढ़िया इंसान बन के समाज में जाएगा और समाज की सेवा में तत्पर रहेगा। मेरा आखिरी सवाल है, जो अवेयरनेस को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स में अभी भी अवेयरनेस है या ये इधर आना चाहते हैं? देखो, पहले साल जब हमने ये सारा कुछ किया था तो बहुत ज़्यादा बच्चे को पता नहीं चला, अवेयरनेस नहीं थी, पर लेकिन इस साल हमारे पास बच्चे भी काफ़ी अच्छे आए हैं और अवेयरनेस भी क्रिएट हुई है। ये अकेडमी जो होती है इनका धीरे 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 लोगों के पास जाता है, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी सेटअप होनी होती है पहले कि हैं कैसे, ये पढ़ाते कैसे हैं, उसके बाद सक्सेस रेट क्या है, वो सारी चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन काफ़ी अवेयरनेस आई है और हम अगले साल इसको अवेयरनेस को और लाने के लिए जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं पंजाब में या पंजाब से बाहर भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे अप्रोच भी करेंगे। थैंक यू।
सो बातचीत हुई है, आपने देखा कि कैसे सिविल परीक्षाएं हैं जो उनके लिए जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए एक बड़ी कह सकते हैं एक बड़ी कोशिश की गई है एसजीपीसी की तरफ से। आज एक दूसरा सेंटर, यानी कि पहला एक सेंटर 27 में है और अभी जो दूसरा सेंटर है वो 44 में ओपन कर दिया गया है। जल्दी ही बिल्डिंग रेडी हो जाएगी और उसके बाद यहां पर बच्चे भी पढ़ना शुरू कर देंगे और एक बड़ा जो कदम है एसजीपीसी की तरफ से उठाया जा रहा है। आप बने रहें पंजाब केसरी के साथ, मेरे साथ कैमरा पर्सन अनिल कुमार।